हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक धमाके वाली वीडियो लेकर आए हैं आपके बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि 1-5। छोटे बच्चे पढ़ने में तो होशियार होते हैं लेकिन राइटिंग के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं वीक होते हैं। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम छोटे बच्चों को इतना सुंदर राइटिंग का तरीका बताएंगे कि बच्चे भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो हमने लिखा है ब्यूटीफुल राइटिंग, सुंदर लेख कैसे करें। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप एक सुंदर राइटिंग लिख सकते हैं। नोटबुक पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि 1-5 जो बच्चे होते हैं उनकी जो राइटिंग की जो नोटबुक होती है वो 4 लाइन की होती है। तो हमने 4 लाइन आपको हमने बोर्ड पर बता दी कि 4 लाइन ऐसे होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर्स की हमें कैसे लिखना है। और यदि आप अपने बच्चों का या बच्चे स्वयं देख रहे हो, अगर वो राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए लेट अस गो टू स्टार्ट राइट टू राइट स्मॉल लेटर्स। तो जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो हम जैसे ए बनाएंगे तो ए के लिए 1-3, तो 3 लाइन से हम पेंसिल को प्रेस कर मतलब दबाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसे रखने के बाद इस प्रकार पेंसिल को घुमाएंगे, फिर यहाँ से ही पेंसिल को वापसी लाना है। तो इसी प्रकार हमारा ए बन जाएगा। ए के बाद बी, तो बी के लिए भी फिर ऊपर से नीचे बुलाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, उस प्रकार बी बन जाएगा। सी, सी के लिए भी इस प्रकार फिर ऊपर से नीचे बुलाएंगे, ये हमारा सी बन गया। डी, डी के लिए सामने ए घुमाया था, सी घुमाया था, इसी प्रकार डी भी बनाएंगे। तो डी के लिए भी इस प्रकार यहाँ से फिर वापसी नीचे को लाना है, फिर ऊपर तक ले जाना है, फिर ऊपर से नीचे को लाना है, फिर घुमा देना है, तो डी बन गया। ई बनाएंगे तो ई के लिए इसी प्रकार नीचे तक लाने के बाद इस प्रकार घुमाएंगे ई। एफ के लिए, एफ के लिए पहले ऊपर तक ले जाएंगे, फिर हल्का सा घुमाते हुए नीचे तक लाएंगे और इसी प्रकार एफ बना देंगे। तो डी एफ, जी, जी के लिए हम इसी प्रकार और इसे फिर वापसी लाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे को सीधे करके लाएंगे और इसे घुमा देंगे, तो ये बन गया जी। फिर एच बनाएंगे, एच के लिए ऊपर तक ले जाएंगे, फिर ऊपर से घुमाते हुए नीचे को सीधे करके लाएंगे और इस प्रकार हमारा एच बन जाएगा। आई, आई के लिए भी इसी प्रकार फिर ऊपर से नीचे को आएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे आई। के, जे के लिए जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब जे बनाना है तो जे के लिए इसी प्रकार फिर नीचे को लाएंगे और ऐसे घुमा देंगे, पॉइंट बना देंगे जे। के, जब के बनाना है तो के के लिए आप ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से नीचे को आएंगे और इसी प्रकार हमारा के बन जाएगा। एल के लिए, एल भी हमारा ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर से सीधे बिल्कुल नीचे तक लाना है, नीचे तक लाने के बाद जब इसे आपको घुमाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। एम, एम और एन ये दोनों अक्षर ऐसे हैं जो हम केवल सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर नीचे से करते हैं तो ज्यादा बेटर नहीं होगा लेकिन बन जाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा बेटर रखने के लिए हमें जो है सेकंड लाइन से पकड़ना होगा। जैसे कि हमने करेंगे यहां से तो इस प्रकार, फिर एक बार, फिर दूसरी बार, फिर घुमाएंगे तो ये एम, ठीक। फिर एन के लिए इसी प्रकार इसे दो बार लाना एम, एन। फिर ओ बनाना है तो ओ के लिए सामने ए बनाया था, इसी प्रकार ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे फिर घुमाते हुए नीचे बुलाते हुए इसे मिलाएंगे, उस पर उंगली बना देंगे तो ओ बन जाएगा। पी, पी के लिए ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर से नीचे तक लाएंगे और इस प्रकार घुमा देंगे पी। क्यू के लिए भी जैसा कि हमने ए बनाते हैं घुमाते हुए, इसी प्रकार फिर इसे भी ऐसे घुमाएंगे कि नीचे तक लाएंगे, इस प्रकार कर देंगे क्यू। आर, आर के लिए इसी प्रकार, आर में यहाँ घुंडी लगाना है और यहाँ घुंडी नहीं लगाना। एस, एस के लिए आप ऐसे जाएंगे, इसी प्रकार घुमाते हुए ऐसे घुमा देंगे, एस में ऊपर घुंडी नहीं होती, नीचे घुंडी होती है। आर एस टी, टी के लिए इसी प्रकार ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे आएंगे और इस प्रकार इसे प्रेस कर देंगे, टी बन गया।
यू, यू के लिए इसी प्रकार नीचे से गोल आना चाहिए यू, वी, वी इसी प्रकार टी यू वी, अब बनाना हमें डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए भी थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, इसी पर ऊपर तक ले जाएंगे, फिर ऊपर तक ले जाएंगे, इस प्रकार कर देंगे डब्ल्यू। फिर एक्स, इसी प्रकार एक्स बनाएंगे, वाई और जेड। तो इसी प्रकार हमने ये स्मॉल लेटर में लिखा, आपको लिख करके बताया, ठीक। तो अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं जिस प्रकार हमने ये आपको क्या स्मॉल लेटर लिख के बताए हैं, तो एक सेंटेंस लिखेंगे कि आपको सेंटेंस कैसे यूज करना, कैसे लिखना है आपको। जैसे कि मैं लिखूंगा कि माई फादर इज ए गुड टीचर, तो लिखते ही स्टार्टिंग करते हैं, जैसे एम बनाना तो एम तो शुरू में कैपिटल आएगा, तो इसे बना देंगे कैपिटल वाई माई फादर, तो फादर के लिए एफ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसी प्रकार एफ बनाना एफ ए, तो ए के लिए फिर वापसी लाई कराएंगे, ये बन गया टी, जैसे हमने टी बनाया था तो टी बनाएंगे टी। एच के लिए भी नीचे से ले आना है, ना कि ऊपर से, कोई भी अक्षर बना तो ऊपर से नहीं लाना, नीचे से ऊपर को ले जाना है, तो जब एच बनाना तो नीचे से ले जाएंगे, इसी प्रकार एच बना देंगे। ई बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ई बनाया था तो यहाँ पर वी बनाएंगे, इसी प्रकार आर, यहाँ हमने घुंडी बनाई तो हो गया माई फादर। इज लिखना है, देखो इतना गैप हमने यहाँ रखा, इतना ही गैप हमने यहाँ रखना है, इतने गैप अगले वर्ड में रखना, था सेम गैप होना चाहिए, तो माई फादर इज, तो इज के लिए इसी प्रकार फिर नीचे को लाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये आई बन गया, फिर इज बनाएंगे, इज भी यहाँ से ले जाना है और इसी प्रकार घुंडी बना देनी है इज, तो माई फादर इज ए, तो ए के लिए जैसे हमने यहाँ पर ए बनाया था तो यहाँ पर भी ऐसे ए बनाना है, इसी प्रकार और यहाँ से फिर वापसी लाना है और इसी तरह नीचे तक लाते हुए ऐसे प्रकार चलाएंगे ए। तो माई फादर इज ए गुड, अब जी बनाने के लिए जैसे कि हमने जी ऊपर बनाया था, इसी प्रकार जैसे कि हम अगर ए डी सी जी, ये ऐसे जो अक्षर हैं वो सेम से बनते हैं, जैसे कि जी क्यू बनाया हमने, ओ बनाया, जैसे कि हम अब जी बनाना है, तो जैसे कि हमने ए घुमाया था इसी प्रकार हम जी को भी करेंगे, तो जैसे कि इस प्रकार ले गए और इस यहाँ से फिर वापसी लेकर आना है जी के लिए, फिर नीचे तक लाना है और ये जी बन गया। डबल ओ, डबल ओ भी सेम ऐसे बनाना है, जैसे कि यहाँ से पकड़ेंगे पेंसिल को, इसी प्रकार फिर पीछे को वापसी लेकर आएंगे ओ, ठीक। फिर इसी प्रकार ये भी हमें वो ऐसे बनाना है, फिर डी के लिए भी हंसी पेंसिल, मतलब वन टू थ्री, थ्री लाइन से ही हम अक्षर को लेकर चल रहा है, तो जी बनाएंगे, तो डी की के लिए फिर क्या होगा, इसी प्रकार फिर ऐसे वापसी ले जाएंगे, फिर ऊपर तक ले जाएंगे, फिर नीचे तक लेकर आएंगे, तो बन गया गुड। तो माई फादर इज ए गुड, अब टीचर लिखना है, तो टी लिखना पहले, तो टी 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 ई इसी प्रकार बनाएंगे, ए भी जैसे हमने आई बनाया था इसी प्रकार, फिर यहाँ से फिर वापसी लेकर आएंगे, ऊपर तक लेकर फिर नीचे तक लेकर आते हैं, तो ये बन गया ए। फिर इसके बाद सी बनाना है, तो सी के लिए भी ऐसी जैसे हमने ए बनाया था इसी का सी बनाएंगे, तो सी के लिए फिर हम यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर एच बनाना है, एच के लिए भी यहाँ से पेंसिल पकड़ेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, नीचे तक लाएंगे और इसी प्रकार एच बन गया। फिर इसी प्रकार ई बनाना है, तो ई बना देंगे। फिर उसके बाद आर, तो ये हो गया हमारा माई फादर इज ए गुड टीचर। अब देखो देखने में बेटर लग रहा होगा आपको, तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो हमारी, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस जो हमारे चैनल पर न्यू है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपना राइटिंग सुधार सकते हैं, और ये तो हमने बात करी थी 1 to 5th जो 4 लाइन की जो जिनके पास नोटबुक होती है, अगली वीडियो में हम 6 to 8 जिनकी 2 लाइन की नोटबुक होती है वो राइटिंग कैसे सुधारें, फिर दूसरी वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए गुड बाय।